नमस्कार साथियों, हरियाणा फ्री टैबलेट अपडेट 2022 में जो हाल ही में हरियाणा सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है, इसे डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल के 10वीं तथा 12वीं के छात्रों को फ्री टैबलेट वितरित किए गए हैं। ये टैबलेट हरियाणा सरकार के सभी सरकारी स्कूल के छात्रों को दिए जाएंगे 10वीं तथा 12वीं के, और अगले चरण में अन्य 11वीं जो 10वीं के रिजल्ट के बाद जून में तथा 9th क्लास के जो रिजल्ट अभी बच्चे हैं उनके लिए अलग से एक नया चरण शुरू किया जाएगा। तो फ्री टैबलेट्स के बारे में भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी रामोदा शर्मा ने क्या कहा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। श्री रामोदा शर्मा ने क्या कहा कि महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को बौद्धिक तथा बहुत तकनीकी विकास करने के साथ साथ शिक्षा के सदर में गुणवत्ता सुधार करना है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को बेहतरीन एजुकेशन प्रदान करने तथा डिजिटल शिक्षा को सुविधा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया गया है। यह फैसला इसको लेकर 5 मई को डिजिटल जिले के पहले चरण में टैबलेट वितरित किए गए थे। अब जो जिले के 7 खंडों में 22,000 टैबलेट और वितरित किए जाएंगे और टैब का संचालन सुचारू रूप से शुक्रवार से टीचर्स ट्रेनिंग कराई जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, श्री राम अवतार शर्मा जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं भिवानी के, उन्होंने कहा कि 22,000 फ्री टैबलेट जो और दिए जाएंगे भिवानी के जो स्कूलीज हैं उनमें, जैसे अगले चरण उनका होगा जैसे हम बात करें तो शाम भिवानी तथा भवानी खेड़ा में तो टैबलेट दिए जा चुके हैं। जो शेष खंड भिवानी के बचते हैं, शिवानी है, लोहार है, कैरू है, भैल है, इन जो चरणों में ये टैबलेट हमें देने हैं। ये जानकारी है जो हमें दी है भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी राम। हरियाणा के प्रत्येक ज़िले में फ्री टैबलेट की योजना की शुरुआत की गई है, परंतु आज हम बात करेंगे भिवानी के जो शिक्षा अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, उन्होंने क्या क्या कहा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे साथी, उन्होंने बताया कि जो फ्री टैबलेट की योजना है ये एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों में पढ़ने वाले बच्चों को बौद्धिक एवं तकनीकी शिक्षा में विकास करने के साथ साथ उनका जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको सुधारना है तथा सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को बेहतर एजुकेशन के प्रकार प्रदान किया जाए इसके बारे में, वह डिजिटल एजुकेशन ई अधिगम जिसे बोला जाता है हिंदी में, उसको सुधार देने के लिए टैब को वितरित किए गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको उन्होंने लेकर 5 मई को पहले चरण में टैब को वितरित किए गए थे। अब जिले में कुल 7 खंड हैं, 7 खंडों में कुल 22,000 फ्री टैबलेट और वितरित किए जाएंगे। इसके साथ साथ सभी संचालन के लिए शुक्रवार को टीचर्स को ट्रेनिंग कराई जाएगी, इसके बाद आपको बच्चों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। भिवानी के जिला शिक्षा अधिकारी श्री रामोदय शर्मा ने ये जानकारी हमें दी है। और हम बात करें कि अब जो अगला जो चरण रहेगा, लोहारू, शिवानी, कैरू और बैल में विद्यार्थियों को फ्री टैबलेट दिए जाएंगे। तो ये थी एक सामान्य सी जानकारी बच्चों को फ्री टैबलेट्स के बारे में। जो साथी रहते हैं हमारे जिनके टैबलेट नहीं मिले हैं, ये अपना कौन कौन से खंड से हैं, कौन कौन से ज़िले से हैं, कौन से गांव से हैं, आप अपने स्कूल से के प्रिंसिपल से या मुख्य अध्यापक से संपर्क करें। अगर किसी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके अपना ज़िला, अपना ब्लॉक, अपने स्कूल का नाम अवश्य लिखें, ताकि आपकी इस फ्री टैबलेट से संबंधित कोई भी इंक्वायरी हो हम अधिक से अधिक उसे अच्छे प्रकार से सुचारू रूप से प्रयास में करने का प्रयास करें। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे फ्री टैबलेट्स के बारे में सामान्य जानकारी।